हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज देखेंगे भैया जीएसएम फ्रेम्स क्या होते हैं, पूरा का पूरा फ्रेम स्ट्रक्चर देखेंगे, सारे फ्रेम्स कवर हो जाएंगे कि भैया हाइपर फ्रेम क्या होता है, सुपर फ्रेम क्या होता है, मल्टी फ्रेम्स के कितने टाइप होते हैं, एंड फिर फाइनली हमारा जो सबसे बेसिक जो कि हमने देखा है टीडीएमए फ्रेम। तो एक हायरार्किकल ऑर्डर में जब हम पढ़ेंगे ना तो विजुअलाइज भी बहुत अच्छी तरह होगा और समझ भी बहुत अच्छी तरह आएगा जो कि आप जिंदगी भर नहीं बोलोगे। लेकिन उसके लिए सिर्फ 5 मिनट तक, अगले 5 मिनट तक अपना फोकस, अपना ध्यान जो भी आपके पास हो इस बोर्ड पे गड़ाए रखिए ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली जीएसएम फ्रेम्स है क्या। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे बड़ी फ्रेम के। ओके, द बाप ऑफ ऑल, सबसे बड़ी फ्रेम हाइपर फ्रेम, जिसे हम कहते हैं हाइपर फ्रेम। तो हाइपर फ्रेम की क्या खासियत है, हाइपर फ्रेम के अंदर 0 से लेकर 2047 मतलब टोटल 2048 सुपर फ्रेम्स होती हैं। मतलब ये जो एक-एक ब्लॉक दिख रहा है ना आपको, एक-एक ब्लॉक इज नथिंग बट ईच ब्लॉक इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सुपर फ्रेम। तो टोटल कितने सुपर फ्रेम होती है एक हाइपर फ्रेम के अंदर, 2048। मतलब ये 0 से शुरू किया है ना, अगर 1 से शुरू करता सो 0 से शुरू किया इसलिए टोटल कितनी है, 2048 सुपर फ्रेम्स आर देयर इनसाइड अ हाइपर फ्रेम। तो ये एक ही हाइपर फ्रेम है, दिस इज ओनली वन हाइपर फ्रेम जिसके अंदर 2048 सुपर फ्रेम्स है। अब चलो एक स्लॉट को पकड़ते हैं, अभी एक स्लॉट क्या है सुपर फ्रेम, तो उसको थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं और देखते हैं सुपर फ्रेम के अंदर क्या होता है। तो मैंने इस तीन को पकड़ा, इस थर्ड वाले को, ओके, जिसका नंबर है 3, उस सुपर फ्रेम को मैंने एक्सपांड किया और देखा ये जो है, ये जो दिख रहा है ये सुपर फ्रेम है। तो एक्चुअल में सुपर फ्रेम इज अ ड्यूअल नेचर, दो स्लॉट होते हैं सुपर फ्रेम में, क्या होते हैं दो स्लॉट होते हैं, पहला वाला स्लॉट ये, दूसरा वाला स्लॉट ये। जो पहला वाला स्लॉट होता है उसमें 0 से लेकर 50 तक यानी कि टोटल 51 मल्टी फ्रेम्स होती हैं। कितनी होती है, 0 से लेकर 50 तक, दैट इज टोटल 51 मल्टी फ्रेम्स होती हैं इन द फर्स्ट स्लॉट ऑफ सुपर फ्रेम। एंड सेकंड स्लॉट जो होता है सुपर फ्रेम का, उसमें 0 से लेकर 25 दैट इज टोटल 26 मल्टी फ्रेम्स होती है। तो अभी समझ में आ रहा है ना, हाइपर फ्रेम के अंदर होती है सुपर फ्रेम्स, सुपर फ्रेम के अंदर होती है मल्टी फ्रेम्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दो स्लॉट किसके लिए, बिकॉज ये एक स्लॉट जो है, जो ऊपर वाला फर्स्ट स्लॉट है, ये किसी और मल्टी फ्रेम्स को डिफाइन करता है, मतलब दूसरे टाइप के जो मल्टी फ्रेम्स होता है उसको डिफाइन करता है, और जो सेकंड स्लॉट है वो दूसरे टाइप के मल्टी फ्रेम्स को डिफाइन करता है। अभी वो टाइप्स क्या अभी देखते हैं, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्लॉट कंसिडर करते हैं, और फर्स्ट स्लॉट में क्या है, 51 मल्टी फ्रेम्स। तो चलो कोई भी एक स्लॉट पकड़ते हैं जो कि मल्टी फ्रेम को रिप्रेजेंट करता है और देखते हैं कि एक मल्टी फ्रेम के अंदर क्या होता है। तो मैंने ये पकड़ा, जिस मल्टी फ्रेम का नंबर 1 है उसको मैंने पकड़ा और मैंने उसको एक्सपांड किया कि आखिरकार इसमें होता क्या है, देखते हैं एक मल्टी फ्रेम के अंदर। तो मल्टी फ्रेम जो है, नाउ दिस टाइप ऑफ मल्टी फ्रेम इज कॉल्ड एज अ ट्रैफिक चैनल मल्टी फ्रेम। ओके, सो जो मल्टी फ्रेम्स हम लोगों को फर्स्ट स्लॉट से मिलती है, ये जो पहला स्लॉट है उससे जो हमें मल्टी फ्रेम्स मिलती है, दे आर नथिंग बट TCH ट्रैफिक चैनल मल्टी फ्रेम। और जो मल्टी फ्रेम्स हमें सेकंड स्लॉट से मिलती है, 0 से लेकर 25 का जो स्लॉट है उसमें जो हमें मल्टी फ्रेम्स मिलती है, दे आर नथिंग बट कॉल्ड एज अ कंट्रोल चैनल मल्टी फ्रेम्स। तो ट्रैफिक चैनल, कंट्रोल चैनल इसके पहले वीडियो में हो गया है जो कि आपको पता होगा, ठीक है। तो ये दो टाइप ऑफ मल्टी फ्रेम्स मिलती है, यहां से जो पहला वाला स्लॉट है उससे ट्रैफिक चैनल, दूसरा वाला स्लॉट है उससे कंट्रोल चैनल मल्टी फ्रेम्स। अभी एक एक मल्टी फ्रेम को खोल के देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो अगर मैं ट्रैफिक चैनल मल्टी फ्रेम को खोलूं, ट्रैफिक चैनल मल्टी फ्रेम को खोलूं, तो उसके अंदर 0 से लेकर 25 तक TDMA फ्रेम्स होती हैं। दैट इज टोटल कितना, 26 TDMA फ्रेम्स आर देयर इन वन TCH मल्टी फ्रेम। एक TCH मल्टी फ्रेम के अंदर 26 TDMA फ्रेम्स होती, कितनी 26 TDMA, ऐसा जो है ये पूरा स्लॉट, एक दो तीन चार, ऐसे 26 TDMA फ्रेम्स होती है। और वही अगर मैं देखूं कंट्रोल चैनल मल्टी फ्रेम जो कि सेकंड स्लॉट से आया ऑफ सुपर फ्रेम, उसमें 0 से लेकर 50 यानी कि टोटल 51 TDMA फ्रेम्स होती है। टोटल कितनी 51 TDMA फ्रेम्स होती है। अब मैं इसको खोल के देखता हूं, इसको खोला, दोनों के अंदर क्या है, दोनों के अंदर TDMA फ्रेम्स ही है। सो चाहे मैं इसका एक स्लॉट खोलूं तो वो मुझे TDMA फ्रेम देगा, या फिर इसका एक स्लॉट खोलूं तो भी मुझे वो TDMA फ्रेम देगा। सो दिस इज TDMA फ्रेम, दिस इज TDMA, दिस इज TDMA फ्रेम, दिस इज अ TDMA फ्रेम। तो समझ में आ गया ना। नाउ TDMA फ्रेम में क्या होता है, TDMA फ्रेम कंपोजेस ऑफ 8 टाइम स्लॉट्स। ये हर एक जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ टाइम स्लॉट, और ये सबसे बेसिक यूनिट है आपके इस फ्रेम का, सबसे बेसिक। दिस इज द टाइम स्लॉट, टाइम स्लॉट नंबर 0, 1, 2, एंड टोटल टाइम स्लॉट एक TDMA फ्रेम में कितने होते हैं, 8, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7। तो ये हायरार्की यहाँ पे खत्म होती है। अब हम लोग इसको थोड़ा अच्छी तरह मैपअप करते हैं कि ये जो TDMA फ्रेम है, दिस इज अ कंपोजिशन ऑफ
दिस मल्टी फ्रेम, एक एक यूनिट जो होता है उसमें टीडीएमए फ्रेम होता है, एक एक यूनिट जो होता है वो टीडीएमए फ्रेम होता है। अब थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं कि जो सेकंड स्लॉट होता है सुपर फ्रेम का, उसका एक एक यूनिट मेरा सीसीएच दैट इज कंट्रोल चैनल मल्टी फ्रेम होता है, और जो फर्स्ट स्लॉट होता है उस फर्स्ट स्लॉट का हर एक जो यूनिट होता है, हर एक जो स्लॉट होता है, इट इज नथिंग बट टीसीएच दैट इज ट्रैफिक कंट्रोल मल्टी फ्रेम होता है। अभी यहां तक हो गया, अब ऊपर जाते हैं दैट इज हाइपर फ्रेम। हाइपर फ्रेम का हर एक जो स्लॉट होता है, हर एक जो यूनिट होता है, दिस स्लॉट इज नथिंग बट अ वन सुपर फ्रेम। ओके, एंड हाइपर फ्रेम इज द मेजर फ्रेम, इज द बिगेस्ट फ्रेम दैट यू कैन अज्यूम इन द जीएसएम आर्किटेक्चर और जीएसएम। ओके, तो ये हो गए पूरे जीएसएम फ्रेम, जीएसएम फ्रेम स्ट्रक्चर, हाइपर फ्रेम, सुपर फ्रेम, टीसीएच मल्टी फ्रेम, सीसीएच मल्टी फ्रेम एंड TDMA multi-frame and finally a time slot in a TDMA multi-frame। दोस्तों अगर वीडियो, मेरा explanation, मेरे efforts अगर आपको अच्छे लगे होंगे, you know, आपको informative लगे होंगे, आपके किसी काम आए होंगे, आपके exam में काम आए होंगे, तो वो तीन magical चीजें जो सिर्फ आप कर सकते हैं, और मैं बता दूं वो तीन चीजें बिल्कुल free है, those three magical things। इस वीडियो को लाइक, इस वीडियो को शेयर, और मेरे चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर किया नहीं होगा तो अभी कर दीजिए सब्सक्राइब टू माई चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।